अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये एयर फ्रायर मैंने ऑनलाइन बाय किया है। पहले तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें फ्राई कर सकते हैं। अब हम इसे खोल कर देखते हैं कि अंदर से ये कैसा है और किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं। ऊपर इसमें वारंटी कार्ड है जिसमें 2 साल की वारंटी है और नीचे बुकलेट है। इसमें इसको इस्तेमाल करने का सारा तरीका बताया गया है। ये तो बहुत ही सादा सा लगता है देखकर। इसको खोलने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या है। ये इसके अंदर कवर को खोल के, इस कवर के अंदर जाली है। जाली के को इसके ऊपर हम पहले रखेंगे, फिर उसके ऊपर जो भी आपने चीज़ फ्राई करनी होगी वो रखेंगे। उसके बाद आप ऑयल चम्मच या स्प्रे की मदद से उसके ऊपर ऑयल छिड़केंगे, तो उसके बाद फिर आप में इसके ऊपर भी आप देख रहे हैं कि वो जैसे हीटर की तरह लगा हुआ है। इस यहाँ से शायद इसको इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है। सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं इसमें। एक ये बाउसा है जिसमें आप खाना रखते हैं, ऊपर से बस इसको नंबर से इसको सेटिंग कर लेते हैं तो आपकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले इसमें फ्रेंच फ्राइज फ्राई करके देखते हैं, तो देखेंगे कि ये किस तरह के बनते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ को मैंने आलूओं को काटने के बाद थोड़ा सा मैंने इन्हें बॉईल पहले कर लिया था नमक वाले पानी में। तो उसके बाद फिर मैंने हल्का सा चम्मच की मदद से 1 चम्मच ना कुकिंग ऑयल डाल के इसको हिला लिया था ताकि चम्मच जो ऑयल का लगा है वो उसको में अच्छी तरह से लग जाए। अब हम इसे फैलाकर इसमें रख देंगे। इसके बाद इसका टाइमर होगा फ्रेंच फ्राइज़ का, तो इसके लिए हमें 15 मिनट वाला फ्रेंच फ्राइज़ का उन्होंने सेट किया हुआ है। तो 15 मिनट बाद हम देखते हैं इसको चला के, तो फिर देखेंगे कि कैसे बनते हैं। तो 180 इसका ऑटोमेटिकली इसका टेम्परेचर सेट हुआ है। तो 15 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। ये एयर फ्रायर 1700 वाट का है और इसकी कीमत बाज़ार में तो पता नहीं दूसरी कंपनीज की क्या है, ये मुझे बहुत सस्ता मिला है। फिलिप्स का तो शायद 25,000 के लगभग है पाकिस्तानी, और ये मुझे तकरीबन 9.5 से 10,000 के करीब मिला है पाकिस्तानी रुपयों में। 15 मिनट के बाद इसमें अलार्म की आवाज़ आएगी। अब हम इसे चेक करके देखते हैं तो कितने ज़बरदस्त बने हैं और कलर भी बहुत प्यारा आया है। और इसके बाद मैं अगली चीज़ ट्राई करती हूँ, वो रोल हैं जिसे मैंने फ्रीज़ किया हुआ था बना के। फ्रीज़र से निकाल कर मैंने इन्हें मेल्ट किया तो ये बहुत ही सोगी से हो गए हैं, सॉफ्ट से। अब मैं इसे फ्रायर में रखूँगी और चम्मच से ना कुछ कुछ ड्रॉप्स इसके ऊपर ऑयल के डालूँगी। हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस मैंने आपके सामने कुछ ड्रॉप्स डाल रही हूँ। फिर इसके बाद इसे भी मैंने ना 15 मिनट के लिए ही रखा है फ्रेंच फ्राइज़ की तरह। इसको मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ 15 मिनट के लिए ही दिया इसको भी टाइम। 15 मिनट गुजरने के बाद फिर हम इसे चेक करेंगे, देखते हैं ये कैसे बनते हैं। ये नून का एयर फ्रायर है और मैंने इससे पहले भी 1-2 चीज़ें नून से ऑर्डर की थी, मुझे इनकी क्वालिटी बहुत पसंद आई है और ये प्राइस के लिहाज से भी बहुत ये रीज़नेबल प्राइस इनकी होती हैं और बहुत ज़बरदस्त। अगर इनकी चीज़ें कोई ख़राब वगैरह भी निकले तो वो घर से आकर आप ले जाते हैं और इसका मुझे कोई डिलीवरी चार्जेस भी नहीं पड़े थे। 15 मिनट गुजरने के बाद आप देखें कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी और ज़बरदस्त से रोल तैयार हुए हैं। अगर हम ऑयल डीप फ्राई भी करते तो ये इस तरह के क्रिस्पी ना बनते जिस तरह ये बने हैं, बहुत ज़बरदस्त बने। मुझे तो ये बहुत पसंद आया है। इंशाल्लाह आइंदा भी मैं आपको कोई चीज़ फ्राई की तो इसमें बताऊंगी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा है। मेरी ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये इसे मैंने अपने शौक से बनाया है ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी याद की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।